कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। एलन मस्क कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, इवन इंडिया में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हैं। इट मीन्स ये लोग अपने डिग्री के बेस पर इतने रिच नहीं हुए हैं, तो आखिर इतनी पढ़ाई क्यों? एक 10th फेल आदमी रोल्स रॉयस में घूम रहा है और एक वेल एजुकेटेड पर्सन बेरोजगार है, तो आखिर इन सभी चीजों का कारण क्या है? ऑफ कोर्स पूरा एजुकेशन सिस्टम। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में ना ही ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है और ना ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये है पर्सियन एजुकेशन सिस्टम। दरअसल 1873 में नेपोलियन और पर्सिया के राजा के बीच में एक वॉर हुआ था और इस वॉर में नेपोलियन आसानी से जीत जाता है, कॉज उसके सारे सैनिक उसका कहा मानते थे, बट वहीं पर्सिया के सैनिक अपने मन मुताबिक इस वॉर को कंट्रोल करते थे। और इस हार के बाद पर्सिया में काफी टफ एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। ये दुनिया की पहली एजुकेशन सिस्टम है और इसी वजह से सारी दुनिया में इसी सिस्टम को यूज किया जाता है। लोगों ने इसे यूज करना तो शुरू कर दिया, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि ये एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के लिए बना ही नहीं था। इस एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स के लिए बनाया गया था, ताकि पर्सिया अपने सोल्जर्स को फुल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल में रख पाए। और इसी वजह से इस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ डिसिप्लिन में और टीचर्स के अंडर में रहना सिखाया जाता है। दुख है सर, क्या बोलूं मैं, अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर सब्जेक्ट और उनकी पढ़ाई के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। अगर इसी एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट और लीडरशिप माइंडसेट को सिखाया जाता तो अभी सारे स्टूडेंट का माइंडसेट किसी बिलियनर जैसा होता। सबसे बुरी बात तो यह है कि अब सारे कंट्रीज धीरे धीरे इस एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं, बट इंडिया में यही एजुकेशन सिस्टम पूरे डिसिप्लिन के साथ चलाया जा रहा है। देखो, पढ़ाई के साथ साथ ग्रोथ भी जरूरी है और इसी वजह से अपने डेली वर्क में थोड़ा थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं इस टॉपिक पर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।